أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صلي على آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد صدر محترم مولانا साथियों खातिन इस्लाम मैंने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उनवान है रहमतुल्लिल आलमीन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी इंतहा शुक्र एहसान है कि इतना कुछ होने के बावजूद हम और आप मस्जिद के अंदर सुनने के लिए पहुंच गए। अल्लाह ताला तमाम लोगों के मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कई मरतबा, उसी में से एक मरतबा यह है, यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सामईन कराम, अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द हिदायत और रहनुमाई के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया। आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हम और आप देखें तो बहुत सारी चीज हमें मिलेगी। मैं सिर्फ एक पहलू पर बात करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, मोहब्बत, शफकत हर जगह मौजूद है। अपनों के साथ, गैरों के साथ, काफिरों के साथ, नौजवानों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, यहां तक कि जन्नत के मैदान में भी। तो मुख्तसर से वक्त में आपके सामने चंद चीजें लाने की कोशिश करेंगे। दुश्मन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से माफ किया है वो भी देखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जाते तो पीछे पीछे कौन जाता? चचा, चचा का नाम क्या है? अबू लहब। ये पागल है, दीवाना है, इसकी बात नहीं मानना। आज हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा, हम दूसरे तरीके से रोक रहे, लेकिन कोई ये नहीं कहा ये पागल है, दीवाना है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं। अबू लहब, अबू जहल मिट गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मिटी नहीं।
सिलसिला चलता रहा। इसलिए घबराने की बात तो है ही नहीं। बोले मौली साहब बड़ा गजब हो गया, ये हो गया, नहीं करने दिए तो ऐसा हुआ वो। भाई जो किस्मत का लिखा है वो हुआ। आप छोटी होती है वो दीवार पर चढ़ती है, एक ही मरतबा में घर पहुंच जाती है या 50 मरतबा चढ़ती है, हम बताएंगे 25-50 मरतबा कोशिश करती है फिर जाके वो गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। फिर क्या गिरे जो के बल चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ 1400 या 1600 उमरा करने के लिए गए थे, मक्का पहुंच गए थे, तो क्या उमरा कर पाए? सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा कर पाए? मक्का से वापस आना पड़ा। तो आप तो मैदान पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले ही सही जगह पर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। घबराने की बात क्या है? मोमिन कभी नहीं घबराता, रास्ते निकालता है। अगर आपको कोई लेमू दे दे तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? खट्टा दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपका काम है लेमू देना, मेरा काम है शक्कर खरीद लाना। आप लेमू देते रहिए, हम शक्कर खरीद के लाते रहेंगे। आपका लेमू था, मेरा शक्कर मिल गया, तो क्या बन गया वो? शरबत। मोमिन कभी नहीं घबराता, जिसका काम है काम करना ना, वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रास्ता निकलता है। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वही जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिमाग से हटा दीजिए, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे दब गए, ये हुआ, वो हुआ। कुछ सहाबे किराम ने भी सुलह हुदैबिया के मौके पर, जिनको पहाड़ कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था। लेकिन आपको मालूम है फतह मुबीन बड़ी फतह कौन सी है? फतह मक्का या सुलह हुदैबिया? सुलह हुदैबिया बड़ी फतह है। फतह मक्का जो 8 हिजरी में है उससे बड़ी फतह सुलह हुदैबिया। अभी रास्ते खुले हैं ये, अरे मार्केट में तो आइए, कितने लोगों को पता चल गया कि आप लोग कौन है, क्या कर रहे हैं। इसलिए आप पता चलना चाहिए कि हम ही लोग अमन शांति का पैगाम पहुंचाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं दुश्मन के साथ। दुश्मन भी है लेकिन जब भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है आपका दोस्त बन जाता है। अपना वो अखलाक अपनाइएगा, कभी भी गाली देकर बात नहीं करने का, प्यार मोहब्बत से बात करने का, और इतना प्यारा अंदाज, अरे भाई आप लोग कौन हो, क्यों ऐसा हो, अच्छा हम लोग कौन है, अच्छा आपके ऊपर असर हो गया है। लेकिन नबी का अखलाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सही मुस्लिम किताबुल जुमा किताब नंबर 7 हदीस नंबर 868। जिमाद अजद शनुआ यमन के रहने वाले हैं। जिमाद को यह पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हो गया है। आम उर्दू में बोलिए, बोलिए पागल हो गए, नऊजुबिल्ला, कुछ असर हो गया। अच्छा मेरे ऊपर असर हो गया, इसलिए लोग फैलाते हैं ना, लोगों का काम है फैलाना। हम वैसा फैलाने वाला जवाब नहीं देते, कभी भी नहीं। आपका काम है फैलाते रहिए, और जितना ज्यादा आप बोलिएगा कि ये है, ये है, ये है, ये है, उतने ज्यादा लोग सोचते हैं कि हाँ भाई क्या है जरा देखने का। तो जिमात को भी मक्का वालों ने कहा, ए भाई मोहम्मद से मिलना नहीं, उनके ऊपर असर हो गया है। तो आज भी तो लोग बोले भाई उनकी मस्जिद में जाना नहीं, ए उनके वहां जाना नहीं, ए उनके पास पहुंचना नहीं, उतने जरा जुस्तजू पैदा होती। अच्छा क्यों रोक रहे, जरा जाके देखूं। तो जमात भी मक्का चले आए, कुछ लोग दिल देने आ जाएंगे। हम तो हर एक के लिए अपना दिल खुले खोल कर रखे हुए हैं। आइए तो कम से कम एक मरतबा मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मोहब्बत है। आइए जमात आ गए। अच्छा आपके ऊपर असर हो गया, मेरे ऊपर असर हो गया, हम और आपको यानी मौलवी साहब को कोई एक पागल एक हाथ मार देंगे पहले ही, या आप आम आदमी को भी बोल दें कि अरे पागल है आप, तो आप उसको छोड़ देंगे, एक हाथ मारेंगे, पागल हो गया मैं? प्यारा कितना अंदाज है, वही अंदाज होना चाहिए। इन्नल हमदुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला व मन युज़लिलु फला हादिया ला व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। इतना पढ़ा बस और कुछ नहीं। आईद अलैया कलिमातिका हाउला, फिर से पढ़िए। अब इसका तर्जुमा बता देता हूं, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। अब अल्लाह से मदद मांगिए कि
अल्लाह तेरे रास्ते का मसला है, तेरे ही लिए कोशिश हो रही है, तू जिस पर राजी हम उस पर राजी। कोशिश करने के बाद जो हासिल हुआ है यही तकदीर का फैसला है। सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर राजी थे, हम भी उस पर राजी हैं, कोई शिकायत नहीं। कुछ नौजवानों के बारे में पता चला, खून गर्म है ना आपका भैया, खून गर्म है तो गर्म है तो जरा सही करके रखिए, घबराने का नहीं, रास्ते निकलेंगे ना, अल्लाह निकालेगा। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह जिसको सीधा रास्ता दिखा दे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कितना अच्छा रास्ता मिला हुआ है, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसे कोई सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। फिर से पढ़े, दो मरतबा पढ़ा, फिर से पढ़िए, तीन मरतबा पढ़वाए। तीन मरतबा पढ़ने के बाद कोई कहे ना कि भाई आपका तारुफ क्या है, आपकी जमीयत का तारुफ क्या है, तो आपके पास तो मोबाइल में होना चाहिए। कितने लोगों के पास मोबाइल में, उठाइए तो फोन दिखाइए, कितने लोगों के पास जमीयत का पूरा तारुफ है। दावा करते हैं, जोश में आ गए, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा तारुफ है आप लोगों के पास। हाँ, इसलिए भाई कम से कम पूरा रखिए ना अपने पास, जहां कोई कुछ बोले क्या तारुफ है, लीजिए भाई ये तारुफ है हमारा, आप कौन है, लीजिए भाई ये हम है, आप कहां कहां गए, लोगों ने मांगा आपने दिया है ही नहीं ना। तैयारी कीजिए, कोई पूछे ना आप कौन है, जी हम ही है। खत्म, दो मरतबा पढ़वाए, तीन मरतबा पढ़वाए, उसके बाद कहा लकस समय तो कौल कहनती व कौल सहनती व कौल शाहरी फमा से पिछला कलिमा ने कहा अल्लाह लकत बलगन ना उसल पर हाथ यद का उबाई काल इस्लाम। मैं शायरों की बात जानता हूं, जादूगरों की बात जानता हूं, काहिनों की बात जानता हूं, लेकिन आपकी बातें समुंदर की गहराई में जा रही है, हाथ आगे बढ़ाइए, मैं मुसलमान होने को तैयार हूं। अपने पास रखिए ये सब पूरी बात, कुरान और हदीस की बात, सामने वाला आपको दिल दे देगा, लेकिन प्यारा अंदाज होना चाहिए, हाथ आगे बढ़ाइए, मैं मुसलमान होने को तैयार हूं। गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवा के आ गए। सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वायस, सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वायस, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। इसलिए आपको लगता है ऐसा कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, हमेशा से चला आ रहा है, हक और बातिल के दरमियान लड़ाई रही है और रहेगी क्यामत की सुबह तक। लेकिन मोमिन आदमी जो पक्का है वो पीछे नहीं हटता, बस रास्ते पर चला जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से यह मिला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो एहसान किया है, सबसे बड़ा एहसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत है, सबसे बड़ा एहसान। सबसे बड़ा इनाम क्या है, सबसे बड़ा इनाम जो हमें मिला है, सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिली है, इस्लाम की नेमत है। और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान, किसी और को नहीं मिले हैं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 164 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। अल्लाह ताला मोमिनों पर एहसान जतला रहा है कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, जिन्नात का नाम नहीं लिया, फरिश्तों का नाम नहीं लिया, मोमिनों में से भेजा। वो पढ़ के सुना रहे हैं, तस्किया कर रहे हैं, हिकमत की बातें बता रहे हैं। इससे पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे। शायर ने कहा चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लूट और मार में था यगाना, फसादों में करता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना, उठे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिया तो कैसे हो गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यानी सहाबे कराम बने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बनाया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मोमिनों के लिए है। इसलिए हमें और आपको देखना है सबके लिए रहमत, सबके लिए रहमत बनकर आए। अभी तो एक एक मिसाल दे रहा हूं, मस्जिद के अंदर है, एक देहाती आया पेशाब करने लगा, हम और आपको सहाबे कराम ने भी कहा मामा माम, सही मुस्लिम किताब उस्सला किताब नंबर 2 हदीस नंबर 285 मामा अल्लाह तो देखो ये पेशाब करा, रोक दो।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुज़रिमूहु दाऊहु, रोको मत, छोड़ दो उसको, पेशाब करने दो, भगा देते, पेशाब करने दो। कितना प्यारा अंदाज है समझाने का। कहा मस्जिद इन हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लहु लिशैइन, सुन लो ये मस्जिद इस काम के लिए नहीं है, पेशाब के लिए नहीं, गलत काम के लिए नहीं, अल्लाह के जिक्र के लिए, कुरान के लिए, नमाज के लिए। प्यारा अंदाज, एक डोल ले आओ, पानी डाल दो, खत्म, कुछ नहीं करने। अगर पेशाब रोक दिए होते तो हो सकता परेशानी बढ़ जाती ना उसकी, कहीं ऐसा ना हो बंद हो जाता उसका पेशाब। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका नहीं। रहमत आम है, देखिए रहमत हर एक के साथ, रहमत दुश्मन भी आपके साथ मिलता है तो रहमत ही रहमत। एक हदीस मुसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 365 पर एक हदीस आई है। गौरस बिन हारिस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लेटे हुए और आपकी तलवार लटक रही है, और उसने तलवार उठा ली और कहा, मैं यमनाओ कमिन्नी, आपको मुझसे कौन बचाएगा। हम और आप होते तो हाथ जोड़ लेते, भैया आप ही बता लीजिए, लेकिन नहीं, ईमान अल्लाह पर इतना मजबूत, कहा अल्लाह, इतना कहा अल्लाह, तलवार नीचे गिर गई। अब तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया, चाहे तो मार सकते थे, देखिए बदला ले सकते थे, कहा मैयम नाओ कमिन्नी, अब कौन बचाएगा मुझसे, बोलो कौन। कुन का खैर आखिजिन, अरे आप तो भलाई वाले हैं, भलाई चाहते हैं, वह आप छोड़ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तू कलमा पढ़ रहा है। देखिए तलवार हाथ में है, तलवार भी दिखाई, कहा कलमा पढ़ रहा है। लोग बोलते ना, कुछ लोग नहीं जानते इस्लाम को, बोले तलवार के जरिए फैला, तलवार के जरिए फैला, तो गर्दन उड़ा सकते थे, कलमा पढ़ता कि नहीं पढ़ता, वरना मार दूंगा। बोले नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, ला मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है चले जाइए आप, लेकिन एक बात है, जाते जाते बोल के जा रहा हूं, अब मैं कभी भी आपसे नहीं लड़ूंगा, और जो लोग आपसे लड़ेंगे उसका साथ भी नहीं दूंगा। और जब अपने लोगों के पास गौरस बिन हारिस पहुंचा तो कहा, कद जीतुकुम मिन इंद खैरिन नास, मैं तुम लोगों के पास सबसे बेहतर इंसान से मिलके आया हूं। रुकिए रुकिए, यहां इस्लाम के अंदर कौन सी तलवार है, हिकमत की तलवार, प्यार की तलवार। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, चले जाइए आप, चले जाइए आप, चले जाइए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती नहीं की। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने लगभग 800 साल तक हुकूमत की है। 800 साल तक हुकूमत करने के बाद अपने लोगों का परसेंटेज, लोग बोलते हैं वो कभी बढ़ता ही नहीं है, क्या मालूम क्यों नहीं बढ़ रहा, 15 से 20, ये 15 से 20 कई साल से चला रहा है, कब बढ़ेगा भाई। बढ़ भी रहा है तो बोलते नहीं, घटा के दिखाओ, चलिए कोई बात नहीं, घटा ही के दिखाइए। 15 से 20 800 साल तक हुकूमत करे और 15 से 20% रह जाए, 20% रह जाए, और 80 जो है वो बिरादराने वतन है। ये 80 बिरादराने वतन गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला, वरना हम 80 हो जाते और वो 20 रहते। ए इस्लाम कबूल कर रहा कि नहीं कर रहा, मार दो, ए इस्लाम कबूल कर रहा कि नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, इस्लाम में जोर जबरदस्ती है ही नहीं। इस्लाम का माना ये शांति, शांति देने वाला अल्लाह, अल्लाह का जो दीन है वो इस्लाम, शांति। मुसलमान आपस में मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातु, शांति, मुसलमान का माना ही है शांति, मुस्लिमीन शांति। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, ऊपर वाले रब्बुल आलमीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन। हर जगह रहमत ही रहमत बरस रही है, तो कहां से तलवार की बात हो गई, कहां से इधर उधर की बात हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, हमें और आपको बहुत मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कैदियों के साथ भी बहुत आम है। एक कैदी, आजकल लोग जबरदस्ती कैदी बनाते हैं, बिजली के करंट लगाते, नाखून निकालते, उल्टा लटका देते, नंगा करते, उज़्वे तनासुल को दागते, कुत्तों से नुचवाते, चर्बी उसके ऊपर डाल देते, नंगा करते और मीनार बनाते। कुर्बान जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत एक कैदी के साथ कितनी प्यारी है। दलील
सही बुखारी किताबुल मगाजी किताब नंबर 64 बाब नंबर 71 हदीस नंबर 4372 सुमामा मस्जिद के अंदर आए, मस्जिद के अंदर उनको बांध दिया गया है, मुसलमान नहीं है वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और कहा माजा इंदक या सुमामा, सुमामा क्या कहते हो, इंदी खैर या मोहम्मद, इन तक्तुलनी तक्तुल ज़ाद मिन व इन तुनिम तुनिम ला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल फसल मिनहुमा शय, मेरे पास भलाई है अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो मैं बिल्कुल हकदार हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल किया है, अगर आप मुझ पर एहसान करेंगे तो आपके एहसान को चुका दिया जाएगा, कितना माल चाहिए मैं माल देने को तैयार हूं। आजकल तो कैदी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, जो लिख के लाया उस पर साइन करता कि नहीं करता, कुछ बोलने का नहीं, लेकिन नबियों के सरदार ने एक कैदी को भी आजादी दे रखी है कि आपको बोलने की आजादी है, जो बोलना है बोलो। तो यहां सुमामा ने यह बोला, सुमामा बिन उसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, फिर आए मा इंदक या सुमामा, सुमामा क्या कहते हो, कल जो कहा था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। तीसरे दिन फिर आए मा इंदक या सुमामा, सुमामा क्या कहते हो, परसों जो कहा था। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतलकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो, 3 दिन जेल में रखा और छोड़ दिया, आज 20 साल जेल में रखते हैं, 15 साल जेल में, 14 साल जेल में, भाई आपके ऊपर कुछ भी इल्जाम नहीं है तो 15 साल कहां से आएगा, 20 साल कौन वापस करेगा, 14 साल कौन वापस करेगा, लेकिन एक मोमिन आदमी वहां भी रास्ता निकालता है। अगर आप जेल में गए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल में गए, तो घबराने की बात क्या है, अरे कल क्यामत का दिन होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकल रहे होंगे तो कम से कम आखिरी कोने में आप तो निकलना ना, अगर नाहक डाला गया जेल में तो घबराइएगा नहीं, लेकिन जेल में जाकर भी एक ही काम करना है, कौन सा काम, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39 या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, जेल के साथियों ये बतलाओ बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह जो जबरदस्त है, वहां भी तौहीद का काम करते रहिए, 14 साल मौका मिला है, 20 साल मौका मिला है, अगर एक भी कलमा पढ़ लिया तो 14 साल वसूल हुआ कि नहीं, 20 साल वसूल हुआ कि नहीं, तो मोमिन आदमी तो होशियार है ना, वो थोड़ा रोता धोता है, और मोमिन आदमी के मां बाप याकूब अलैहिस्सलाम का रोल अदा करते हैं, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया यह मामला, गौर कीजिए। 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतलकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो, बिजली का करंट नहीं लगाया, नंगा नहीं किया, नाखून नहीं निकाला, बाल नहीं नोचा, गाली नहीं दी, उल्टा नहीं लटकाया, करंट नहीं लगाया, सुमामा को छोड़ दो, वादाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, वादाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह जमाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों पर हुकूमत करने वाले थे, छोड़ दिया। फिर कुछ देर के बाद सुमामा वापस चले आए, कोई माई का लाल बता दे, जेल से छूटने के बाद कोई आदमी दोबारा वापस आ जाता है, जी जेलर साहब से हमको प्यार हो गया है, कितना अच्छा अखलाक है इनका, अब मैं इसी का धर्म कबूल करूंगा, कोई माई का लाल बता दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना प्यारा है, सुमामा अभी तो हमने आपको छोड़ दिया, चले जाइए घर चले जाइए, अरे आपने जिस्म को छोड़ा है, दिल को अपना बना लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह खत्म, अरे आपने जिस्म को छोड़ा, दिल को कहां छोड़ा, इसलिए मेरे भाइयों दिल पर कब्जा कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से सी, ओहो आपका दिन सबसे खराब था, आज के बाद से सबसे प्यारा है, आपका चेहरा सबसे खराब था, आज के बाद से बहुत प्यारा है, अरे आपका शहर सबसे खराब था, आज के बाद से बहुत प्यारा है। मक्का गए, मक्का वालों ने कहा कद सबउ था, साबी हो गए हो, साबी नहीं हुआ हूं सहाबी हो गया हूं, साबी का माना बेदीन, सुमामा को देखो बेदीन, वही होता ना जो सही मसलक की तरफ आ रहा, कुरान हदीस की तरफ आ रहा, ए भाई, और जो आ रहे हैं अल्लाह की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो भाई इधर उधर अच्छा नहीं लगा क्या कि उसके अंदर चले गए, तो पुराने जमाने से चला आता रहा, लोग तो तंज करेंगे भाई, हमने तंज झेलना, झेलने की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपने तंज करना आपको मुबारक हो, हमारा काम है तंज झेलना। सबउता बेदीन हो गए, नहीं बेदीन नहीं हुआ हूं, वलाकिन असलम तो मां मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। और याद रखना अगर ज्यादा कुछ किया ना
तो यमामा से गेहूं का एक दाना उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत ना दे दें। तो कभी कभी बायकॉट भी करना पड़ता, ए भाई धमकी ज्यादा कुछ बोले ना तो हम पेप्सी नहीं पियेंगे, ए भाई ज्यादा कुछ किए ना हम ये नहीं, पेप्सी पी रहे ना लोग आराम से, पेप्सी का बायकॉट, पेप्सी का पैसा कहां जा रहा है भाई, पेप्सी का पैसा कहां जा रहा है, इसराइल को जा रहा ना, पेप्सी नहीं पीने का तो पैसा कुछ तो कम हो जाएगा, किस तरीके से चल रहा। तो कभी कभी जरा दिखाने का कि आप फलस्तीन पर जुलम कर रहे हो, हमने नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीना पहले बायकॉट हुआ था, कुछ होटल वालों ने किया, काबिले मुबारकबाद है वो लोग। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, एक कैदी को इतने प्यारे अंदाज से छोड़ देते हैं कि वो अपना दिल दे के चला जाता है। क्या बयान करूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझा रहे हैं, प्यारा अंदाज, मक्का में समझाए, पीछे पीछे घुमा करते थे, कौन घूम रहा है भाई, आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है, दो तीन आदमी के पेट में दर्द होता कि नहीं होता, किसके पेट में दर्द हो रहा था मक्का में, भाई मक्का में किसके पेट में दर्द हो रहा था, अबू जहल के, अबू लहब के। तो गुरु घंटाल तो हर जगह रहते, तो मोमिन आदमी कभी घबराता है क्या, गुरु घंटाल को अपना काम करने दीजिए, आपने अपना काम करना, वो उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र है, हम लोगों को भी उतनी ही फिक्र। अबू तालिब का आखिरी वक्त आया, सही मुस्लिम किताब अल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 24, आखिरी वक्त आया, चचा जान कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दो गुरु घंटाल बैठे हुए थे, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया और अबू जहल, अतरगब अल मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब। अरे ये तो अच्छा है कि आपकी मस्जिद में घुस के लोग आके नहीं बोल रहे भाई इनकी मानना नहीं, इनकी मानना नहीं, उनकी मानना नहीं, वहां तो घुस घुस के बोला करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं अबू तालिब को, समझा रहे हैं चचा जान कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दो गुरु घंटाल वहीं बैठे हुए, धरना दिए हुए, उठेंगे नहीं, आपके पेट में दर्द हो रहा भाई बैठे हुए, अतरगब अल मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, बाप दादा के दिन को आप छोड़ देंगे अबू तालिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बोले चचा जान कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कल क़यामत के दिन मैं आपके लिए सिफारिश करूंगा। दो गुरु घंटाल बार बार ना 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 छोड़ नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे। बिलाखिर बेचारे की रूह निकली तो कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूं। वो बाबा के दीन पर मरे तो जहन्नम में चले आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के दीन को छोड़ा तो तौहीद वालों के इमाम बन गए। इसलिए मेरे भाइयों, दावतों तबलीग का काम आसान नहीं है। मैं तो मुबारकबाद देता हूं उन भाइयों को जो ऐसी मजलिस सजाते हैं और लगाते हैं, कोशिश करते हैं, इतना भी कुछ हो जाए बड़ा काम है, और अल्लाह ताला हर एक से लेता भी नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम बहुत कम आए हैं क्योंकि दावतों तबलीग के काम में हमेशा सबर की जरूरत है। अब एक आयत बार बार पढ़ते रहिए, या बुनैया अक़िमिस सलाह वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 16 या 17 है। मेरे बेटे नमाज पढ़ना एक हुक्म हो गया, लुक़मान अलैहिस्सलाम बोलते भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना और सब्र करना। देखिए भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना और सब्र करना, ये बड़े पुख्ता कामों में से है बेटा, आसान नहीं है। तो दावत तबलीग का काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह जिनसे काम ले ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिक्र कर रहे हैं, मक्का में अबू जहल ने छोड़ा नहीं, अबू लहब ने छोड़ा नहीं, सब ने छोड़ा नहीं, गुरु घंटाल ने छोड़ा नहीं, दिल कितना दुखा है। तो चले गए ताइफ, दिल दुखा ना, कहां से कहां चले आए, यहां से वहां चले गए, वो भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रहे हैं, उनका काम है भागने दीजिए, वो अपना काम करते रहे और तौहीद वाले अपना काम करते रहे। ताइफ पहुंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दलील, लेकिन अखलाक हमेशा ऊंचा रखिएगा। दलील सही मुस्लिम किताबुल जिहाद किताब नंबर 32 हदीस नंबर 1795, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इब्न अब्द यालील बिन अब्द कुलाल के पास पेश किया। भाई लोग नहीं मान रहे, कम से कम आप मेरी दावत को तो कबूल कर लीजिए। ऐसा भागना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, बाजारों में जाइए, खेतों में जाइए, खलियान में जाइए, मार्केट में जाइए, घरों में जाइए, डोर टू डोर पहुंचिए, तब ये दावत हम तक पहुंची है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत की है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है
बहार अब जो दुनिया में आई हुई है ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है, ये पौधा उन्होंने लगाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने क्या किया, पत्थर से मारा। हमें तो कोई नहीं मारा, आज इतना बड़ा मसला हुआ कोई पत्थर से मारा? आप लोगों को कोई मारा? हो सकता कभी गाड़ी पर मार दिया होंगे पत्थर। चले भाई, कम से कम ताइफ की आधी सुन्नत तो जिंदा हो गई, तो थोड़ा बहुत अगर ऐसा आ रहा तो आन दो, लेकिन हम पत्थर उठा के नहीं मारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाए, पूरा जिस्म लहू लहान हो गया, खून कहां जमा हो गया? पैर में, जूते में जमा हो गया। किसी को पत्थर उठा के मारा? चलिए, फरिश्ते आ गए, जिब्रील अमीन आ गए, पहाड़ के भी फरिश्ते आ गए। इनशे तातबक तो अलैहिम लाक्षबैन, अगर आप चाहें तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच में रख दें और पीस दें। हम और आप होते तो कहते जल्दी पीसो, ये सब जितने हैं मिठाई तकसीम करो भाई, जल्दी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया। क्या कहा? उम्मीद बल अर्जु अन युखरिज अल्लाह तआला मिन असलाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदा ला युशरिकु बिही शैया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इन्हीं की नस्ल में से उन लोगों को पैदा करेगा जो एक अल्लाह को मानने वाले होंगे। मेरे भाइयों, यह है किरदार, यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। पूरा जिस्म लहू लहान है फिर भी दुआ दे रहे हैं। आहा, काश हमारी जिंदगी में यह सब आ जाए, हमारी जिंदगी में यह सब आ जाए, कितना अच्छा होगा। एक दो बात बयान करने के बाद मैं आपसे रुखसत हूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बच्चों के साथ, आपकी रहमत बच्चों के साथ, औरतों के साथ। बच्चे हैं हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, सुन्नत सही किताब तत्बीक किताब नंबर 12 हदीस नंबर 1142, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पीठ पर आके लद गए। पीठ पर जब आके लद गए, लंबा सजदा किया, बड़ा लंबा सजदा किया। देखिए, बच्चों के साथ रहमत, प्यार, लंबा सजदा किया, उठ ही नहीं रहे। एक साहबी थे शद्दाद, उनको रहा नहीं गया, नमाजी में उठ के ताक लिया, इतना लंबा सजदा क्यों कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब उनको तो तसल्ली होगा कि भाई लंबा सजदा इसलिए हो रहा कि नन्हे छोटे मियां ऊपर बैठे हुए हैं, तो लंबा सजदा किया। नमाज खत्म हो गई तो साहब कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो लगा कि बड़ा लंबा सजदा हुआ, हम तो घबरा गए थे कहीं कुछ हो तो नहीं गया या फिर वही तो नहीं उतरी। कुल लज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन अजलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा नाती जो है ना नवासा मेरे पीठ पर बैठ गया था और मैं उसके लिए सवारी बना था, मैं बोला जरा उसको फायदा तो उठा लेने दो। तो पता ये चला बच्चों के साथ प्यार रहमत ये सब होनी चाहिए। आखिरी बात, घर में अहलिया है मोहतरमा है उनके साथ रहमत, हर एक के साथ रहमत। जब तक नहीं दिखाएंगे काम नहीं बनेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी किसी बीवी को नहीं मारा। हम और आप हमेशा हाथ को मलते रहते हैं, नमक दाल में ज्यादा या नमक दाल में कम, अच्छा इस कलर का क्यों पहनी है, कलर की वजह से भी लोग तलाक दे रहे हैं, ये कलर का नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे लोग तलाक, ओहो एकदम आसान हो गया, इतना आसान 50 साल की उम्र में पहुंच गए, पोता वाले हो गए, नाती वाले हो गए, नाना दादा बीवी को तलाक, और 10 साल के बाद दुनिया हमको तलाक दे देगी 60 साल में। अरे भैया 10 साल तो सबर करो, 10 साल भी सबर नहीं हो पा रहा, आप झेल रहे 30 साल से, 10 साल और झेल लेते अगर ऐसा ही मसला है तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजो नखरे बर्दाश्त करते थे, आपकी रहमत घर के अंदर भी है। बात तो लोग मिलते हैं सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, वाले क्या अखलाक है साहब का, क्या अखलाक है साहब का, तीन आदमी बोले का अखलाक है साहब का तो सही, घर वाली कहे कि साहब कैसे हैं तो साहब सही है, और मार्केट में नौकर अच्छे हैं, पड़ोसी वो भाई ये अच्छा आदमी है, पड़ोसी के साथ ताल्लुकात बड़े बिगड़े हुए, भाई बड़े बिगड़े हुए, अपने घर का कूड़ा करकट कहां ले जाके डाल देते, पड़ोसी के गेट पे। एक जोक याद आया, हो सकता आप सुने होंगे, घर से एक औरत निकली तो बेलन लेके निकली, कहां जा रही हो, पड़ोसन के घर जा रही हूं, अरे कल भी गई थी और आज भी आप जा रही हैं। शौहर ने समझाया, सुनिए कल सेमीफाइनल था आज फाइनल है इसलिए बेलन लेके जाना पड़ रहा है। वल्लाही ला यूमिन वल्लाही ला यूमिन वल्लाही ला यूमिन, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर तहरीस नंबर 6016, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है।
من يا رسول الله كون الله کے رسول الذي لا يمن جاره بوائق ارے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی پریشان مومن ہے ہی نہیں بیوی کے ساتھ خیرکم خیرکم لاہلی تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3896 تو بیوی کے ساتھ اچھے رہیے اب دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1469 پوری دنیا سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے ذرا قدر کیجئے نوٹ کو تو ایک دم دبا کے رکھتے ہیں اس لیے بہترین سامان کو بھی اچھی طریقے سے حفاظت سے رکھیے بھائی آپ عزت کیجئے گا تو عزت آپ کو ملے گی بے عزت کیجئے گا تو آپ بھی بے عزت ہو جائیے گا چاہتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے تو آپ ان کی عزت کیجئے یہ کیا بچوں کے سامنے پھٹکار رہے ہیں یہ ایسی وہ ایسی تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تیرا خاندان ایسا کس پگلی کو اٹھا کر کے لے آؤں میں ہی برداشت کر رہا ہوں میرے علاوہ کوئی ہوتا نا دو چار پانچ ہاتھ کان میں لگا دیتا اے چل طلاق 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 سب سے آسان بول دیتے یہ زیادہ کچھ بولے نا تو طلاق والی چھوڑی چلا دوں گا واہ بھائی واہ آپ کے پاس اتنا جوش ہے یہ کر دیں گے تو وہ دوسرے کے پاس جائے گی نا تو سدھر جائے گی تو آپ نے طلاق دے دی ہے تو وہ ویسے ہی رہے گی بھائی ان کے ناز و نخرے کو ذرا برداشت کرنا پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت گھر والوں کے ساتھ بھی ہے تو باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے پھر اور بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر دے دے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت میں چلنے کی توفیق دے بدعات و خرافات سے دور رکھے جو بیمار ہے اللہ شفائے کلیہ عطا فرما جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو ہی قرضہ اتار دے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے اے اللہ جو بھٹکے ہوئے ان کو سیدھا راستہ دکھا رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون میرے رب میری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ جانتی نہیں ہے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ